हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई, अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, है ना। तो यहाँ पे आपका है क्या कि इससे आसान तरीका और नहीं। हाँ, सच में ये है कि इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं छोटा सा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया। आप इसमें से सबसे छोटा या सबसे बड़ा भिन्न कौन सा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहचानने का तरीका क्या है आपका कि जिसके नीचे, यानी कि जब फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन के नीचे जो वैल्यू छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे 2 है तो ये 2 सबसे बड़ा होगा। इन सब में से 2 सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। और जब नीचे बड़ा वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 1/5 है। ठीक है, यहां तक क्लियर है पहला कॉन्सेप्ट। यानी कि इस तरह से ये सीरीज बनने वाला है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 सबसे छोटा वैल्यू है। ठीक है, जस्ट ऐसे ही हम लोग यदि देखते हैं यहाँ पे कि 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं और बट्टा 1 कर देते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, एक रियल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर आ रहा है। तो अब सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा वैल्यू आपका इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए तो इसी कॉन्सेप्ट पे है ना। बस सवाल देखते ही आप आंसर बता देंगे विदाउट पेन पेपर का। चलिए तो सवाल पे आते हैं हम लोग। पहला सवाल ये आपके सामने है, ठीक है, 2018 में पूछ चुका है, RRB ग्रुप डी में। सवाल आपका क्या है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। ठीक है, आपको क्या पूछा है, सबसे बड़ा भिन्न। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको स्मॉलेस्ट में कर सकते हैं, मतलब सिंपल रेशियो में। तो 1/8 है, 2/12 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/8 हो गया, 1/6 लिख सकते हैं इसको हम लोग। और यहाँ पे आपका 3/16 है, जो नहीं कट रहा है उसको रख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पे तीनों में आपका 1 1 है ना। सबसे छोटा कौन है, 5 है, 6 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो ये दोनों को हटा सकते हैं हम लोग, है ना। बाकी बच गया 2। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको कि 3 को 3 से यदि इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 5 पॉइंट समथिंग आता है, यानी कि 5 से बड़ा आता है, 15 आता है, 15 16 है, तो 5 से बड़ा आएगा। यानी कि सबसे छोटा वैल्यू क्या क्या कौन सा होगा, 1/5 है ना। यानी कि 1/5 आपका कहाँ है, 4/20। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, तो जो नीचे सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका 4/20 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो आप करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/5 आएगा 3 का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1/8 आएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1/25 से काटेंगे इसको तो 4 बार में कटेगा, यानी कि 40। अब बताइए आप सिंपल सा कि कौन सा आंसर होने वाला है यहाँ पे, है ना। तो सबसे छोटा कौन सा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा पूछा है तो आपका सबसे छोटा देखना है नीचे में। तो नीचे आपका सबसे छोटा कौन है, 4 है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 वाला। तो 1/4 आपका क्या है, 5/20 है। तो 5/20 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही आंसर है। ये सबसे बहुत ही आसान तरीका होता है चेक करने का। ऐसे तो हम ये लिख करके बताए हैं आपको, लेकिन आप विदाउट लिखे यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अब इसमें क्या बोला है कि सबसे छोटी भिन्न, अब सबसे छोटी भिन्न कौन सा होगा बताइए। तो यहाँ पे आपका नीचे देखेंगे तो नीचे सब क्या है, 10 है, 100 है, 1000 है ना, 10,000 है। तो इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं काट के। तो यहां से आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे कितना है, 3 0 है। तब क्या बोले थे कि सबसे जो नीचे बड़ा होगा वो सबसे छोटा वैल्यू होगा। तो आपका छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, 9/1000 है ना।
यानी कि 9/1000 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यदि इसको हम लोग पॉइंट में भी लिखना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, पहला का 0.1 मिलेगा, दूसरा का क्या मिलेगा 0.01 मिलेगा, थर्ड का क्या मिलेगा तो 0.009 मिलेगा, और इसका क्या मिलेगा तो 0.05 मिलेगा। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपका, तो 0.009 दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए, अब इसमें वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब ऊपर में भी अलग अलग है, नीचे भी अलग अलग है, कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तब इस तरह के भिन्न को हम लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न, सबसे पहले देखना है कि सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है या सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है। ठीक है, ये सारा जो है वो प्रीवियस ईयर सवाल है ना, 2018-2019 में RRB के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का अंतर निकालना शुरू करिए। अंतर क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कौन सबसे बड़ा है, यहाँ पे 9 बड़ा है, और क्या कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालिए, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 आएगा, तो इसको हटा दीजिए, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, 5 आएगा, तो इसको रहने देते हैं, इसका डिफरेंस आपका 1 आता है, तो जिसका ज्यादा डिफरेंस रहेगा उसको पकड़ के रखना है, और नीचे जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दो चीज आता है, 4/9 आता है और 3/8 आता है। एक लॉजिक और लगा सकते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो सबसे छोटा कौन होगा, ये होगा। ठीक है, लेकिन इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, है ना, दोनों में से चेक करना है ना, ये तो दोनों आपका बड़ा ही वैल्यू आएगा, छोटा वैल्यू पूछा है, तो 8 × 32 हो गया आपका, और 9 × कितना हो जाएगा आपका, 36 हो गया। ठीक है, तो क्या पूछा है, सबसे छोटा भिन्न पूछा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। अच्छा सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे सीरीज में दिया था ना, हाँ इसको एक बार और देख लेंगे। देखिए, तो यहां से दोनों है, तो दोनों में आप इसको भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9 × 36 आ जाएगा, 0.6 आया, और इसको भाग देंगे तो 0. क्या आ जाएगा, 8 × 32 आ जाएगा, अरे 8 × 3 = 24 है ना, 30 आएगा, तो 8 × 3 = 24, तो कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा आ रहा है, तो 0.3 छोटा आ रहा है, 0.6 आपका क्या है, बड़ा है, तो 3/8 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के।